Good morning, everyone. Now again I am here for to you, to my all lovely childrens. Now again we started our chapter 2. गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित स्ट्रक्चर बेस्ड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं शालिनी खेड़े हिंदी विषय के साथ फिर से आपके पास हूँ और हम फिर से अपना वही वाला पार्ट जो हमने अपनी पिछली कक्षा में अधूरा छोड़ा था हम यहाँ पर आरंभ कर रहे हैं। जिस तरह की हमारे सारे बच्चों ने पिछली बार देखा था कि हमने पार्ट 2 100 के सहाठ है ना, ये पार्ट वैसे तो सबको अच्छे से याद हो गया होगा लेकिन फिर भी इस पार्ट को हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, जिसकी अभ्यास प्रश्न पुस्तक से हमने कर लिए थे। फिर हमने पेज नंबर 17 और 18 याद कीजिए, पेज नंबर 17 और 18 पर व्याकरणगत भाषा प्रश्न हमने पूर्ण किए थे, जिसमें हमने कुछ विलोम शब्द, कुछ संज्ञा भेद, उसके बाद में कुछ मुहावरे किए थे और साथ ही मैंने आपको पिछली कक्षा में जब समाप्त हुई थी तो एक छोटा सा होमवर्क या गृह कार्य दिया था, शब्दों से वाक्य बनाना। वाक्य हमने यहाँ पर भी आपको सिखाए थे और कुछ वाक्य हमने आपको घर से बनाने के लिए दिए थे। तो आज हम अपना कार्य अब इस कार्य से आगे की तरफ शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं सभी बच्चों से आग्रह करती हूँ कि वे सभी अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि नोटबुक और अपनी पेन या पेंसिल लेकर तैयार हो जाए। उसके बाद हम लोग अपना पेज नंबर 17 खोलेंगे। देखिए, क्योंकि हमने सारे अभ्यास प्रश्न पूर्ण कर लिए हैं किंतु सिर्फ एक ही कार्य है जो हमारा अभी बच गया है और जो है इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो आज हम लोग अपना यही कार्य यहाँ पर संपन्न करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेशली विशेष तौर से ये आग्रह कर रहे हैं कि जब भी क्लास में कुछ कहा जाए तो उसे आप अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा बाद में फिर आपके मन में कुछ कन्फ्यूज़न रह जाते हैं कि मैम ये कार्य हमें कहाँ करना है, किस तरह करना है। और इसके लिए मैं बार बार आप लोगों को ताकीद करती हूँ, चेतावनी भी देती हूँ कि बेटा हमें ये कार्य पुस्तक में करना है या ये कार्य हमें अपनी नोटबुक में करना है। तो आज हम जितना भी कार्य संपन्न करेंगे वह सारा कार्य हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे बेटा। तो सभी लोग अपनी नोटबुक को खोल कर और तैयार हो जाएं उसमें लेखन कार्य करने के लिए। चलिए, इसके पश्चात मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो हम अपना पहला कार्य जो हम अपनी क्लासवर्क नोटबुक में आरंभ करने वाले हैं वह है हमारे श्रुतलेख शब्द। आप बाकायदा शुरुआत करेंगे श्रुतलेख शब्द से। ठीक है, फिर उसके नीचे आप दो रेखाएं खींचेंगे ताकि हम जब भी कोई शब्द को विशेष तौर से दिखाने की कोशिश करें तो जब हम उसके नीचे रेखांकित कर देते हैं या उसे दो बार रेखांकित कर देते हैं तो वह चीज़ हमें विशेष तौर से पता चल जाती है कि हाँ इस कार्य का मेन उद्देश्य यह है। तो श्रुतलेख शब्द के लिए मैं पुनः दोहरा रही हूँ कि यहाँ पर हम श्रुतलेख के शब्द एक बार लिख रहे हैं और आप उन्हीं शब्दों को दो बार पुनः अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसके लिए हम बाकायदा वहां पर प्लेस छोड़ने वाले हैं। तो पहला नंबर देखिए बेटा, जिस तरह ये आपकी रेखा है कॉपी में वहां पर आपको सबसे पहले स्केल का यूज करना है और इस तरह से दो रेखाएं लंबे में आपको खींच लेनी है। ये आपके पास इस तरह से पूरी कॉपी में लाइन ड्रॉ है ना, ये चूंकि हमारे पास नहीं इसलिए हमने आपके लिए यहाँ पर खींची है। तो आपको इस तरह से दो लाइनें खींचना है ताकि आपका पेज तीन हिस्सों में बट जाएगा। फिर यहाँ पर हम एक बार शब्द लिख रहे हैं और उन्हीं शब्दों को आप लोग बाद में पढ़कर दोहराकर सुंदर
अक्षरों में अपने इस खाली स्थान में लिखेंगे। तो हमारा पहला शब्द है जैसे साहूकार, साहूकार। दूसरा शब्द साहूकार, अभी एक बार आप हमारे साथ लिख रहे हैं, पढ़ेंगे और ध्यान से फिर इन दो स्थानों पर उसे लिखेंगे। दूसरा शब्द है हमारा तकाजा, तकाजा। ज के बाद में हल्का सा ह का उच्चारण हमें करना है। तीसरा शब्द पंचायत, ठीक है। आप कहेंगे मैम ये शब्द तो जब हमने पाठ शुरू किया था तब भी हमने लिखे थे, लेकिन इसलिए लिखे थे क्योंकि वे शब्द हमारे पाठ के पठन के लिए आवश्यक थे, वे हमारे लिए नए थे, थोड़े से कठिन थे, तो हम लोगों ने पहले भी उन्हें लिखा है। लेकिन अब ये कार्य हम लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में आरंभ कर रहे हैं और उत्तर पुस्तिका में कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले जरूरी है कि आप उसको व्यवस्थित रूप से शुरू करें, अन्यथा आप कितना भी लिखते जाएंगे वो अव्यवस्थित दिखाई देता है बेटा। और जरूरी है कि सभी छात्रों की उत्तर पुस्तिका में कार्य एक जैसा एक समान रूप से लिखा हो, तो इसलिए हम बार बार दोहराना पुस्तक में करना है या उत्तर पुस्तिका में करना है। उसी तरह चौथा वाला शब्द है आपका बाजार, बाजार। पांचवा शब्द है आपके लिए बही खाता, बही खाता। बही को खाता नहीं है, बही खाता एक पुस्तक होती है जिसके अंदर सभी लोगों के दिए हुए और लिए हुए पैसों का हिसाब रखा जाता है। अगला शब्द है हमारा रियायत, रियायत। रियायत का मतलब होता है छूट देना या कम करना, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है सातवें नंबर पर ज्यादा। हमने क्या कहा, ज्यादा, ठीक है। उसके पश्चात है इकट्ठा, और भी कुछ शब्द हैं जो हमारे लिए यहां पर कुछ नए भी हैं जिन्हें सुनकर लिखना, सुनना तो बहुत आसान है, समझने में भी आसानी होती है, लेकिन लिखते समय वही शब्द हमें थोड़े से कठिन लगते हैं। जैसे दिलाऊंगा, दी लाऊंगा, ठीक है। इसी तरह अंतिम शब्द जो 10 नंबर पर हम लिख रहे हैं वह है आपका लौटाने, लौटाने। लौटाने का मतलब होता है वापस करना। तो इस तरह ये 10 शब्द आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में श्रुत लेख शब्द के साथ में लिखेंगे, ठीक है। चलिए 2 मिनट हम आपके लिए रुक रहे हैं, आप इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, तत्पश्चात हम लोग शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है, अब हम इन शब्दों को यहाँ से हटा रहे हैं ताकि हम अपना दूसरा कार्य आरंभ कर सकें। सभी बच्चों से पुनः आग्रह है मेरा कि अधिक से अधिक कोशिश करें कि आपका जो लेखन है वह पढ़ने योग्य हो, और कम से कम इतना सुंदर अवश्य होना चाहिए कि जब आप अपनी कॉपी को खोल कर देखें बेटा
तो आपके मन को अच्छा लगे। ये नहीं कि किसी और को दिखाने में हमें शर्म महसूस हो और हमें अपने ही अक्षर समझने में दिक्कत हो। तो ये आपकी ही कॉपी है, आपकी उत्तर पुस्तिका है और इसे किस तरह सुंदर व्यवस्थित रखना है ये आपके हाथ में है। अब इसके बाद हम दूसरे नंबर की एक्सरसाइज लिख रहे हैं शब्दार्थ। सबसे पहले ऊपर इस तरह से आपको विषय लिखना है या शीर्षक कि हम नीचे कौन सा कार्य कर रहे हैं। शब्दार्थ लेखन हम किस तरह करते हैं आप सभी को पता है, बाकायदा अपने पेज में बीच में इस तरह से डबल वाली लाइन खींचिए बेटा, इस तरह की लाइन या रेखाएं आपके पेज में पहले से छपी हुई हैं, किंतु शब्द या अक्षर व्यवस्थित हो इसलिए हम पुनः पुनः आपके लिए यहाँ पर लाइन या रेखा खींचते हैं ताकि जिस तरह से हम लिख रहे हैं वैसा ही लेखन आप लोग भी अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। ठीक है, पहला शब्द है हमारे लिए साहूकार। साहूकार हमने पहले भी समझाया था, साहूकार ये नहीं है, व्यापारी बिजनेसमैन, याद आया। हाँ, दूसरा शब्द उगाही। उगाही का मतलब उगाना तो नहीं होता है, उगाही का मतलब होता है वसूली। वसूली भाई याद है, सब लोगों ने पिक्चर देखी थी, उसमें एक थे ना गोलमाल में वसूली भाई, वो क्या काम करते थे, वो सिर्फ जिन लोगों को उन्होंने अपने पैसे उधार दिए हैं उन लोगों से अपने पैसे वापस लेने का काम करते थे, यानी कि वो वसूली करते थे, तो लोगों ने उनका नाम क्या कर दिया था, वसूली भाई। तो उगाही का मतलब होता है दी हुई रकम को वापस लेना। तीसरा शब्द है हमारा धमका। धमका धमका यानी कोई भी कभी भी मेरे घर आ धमकता है, यानी पहुंचा पहुंचा। छोटा से सुंदर से अक्षरों में लिखिए, आपके अक्षर जितने छोटे होते हैं उतने ही वो क्लियर होते हैं, बड़े अक्षर भी लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को हमने देखा है कि वो लोग पूरी दो रेखाओं के बीच की जगह को घेर लेते हैं, इतना बड़ा अक्षर लिख देते हैं जो ना तो देखने में अच्छा लगता है और ना ही पढ़ने में अच्छा लगता है। क्यों, कभी भी अक्षर लेखन किया जाए तो ध्यान रखिए कि आपने जिन दो लाइनों के बीच में लिखने और शुरुआत की है उसका केवल 3/4 हिस्सा ही प्रयोग होना चाहिए और 1/4 हिस्सा जो होता है वो बचना चाहिए या खाली होना चाहिए। ठीक है, अगला वाला शब्द है हमारा सरहद। बहुत छोटा सा सरल सा शब्द है सरहद। सरहद यानी सीमा, वो नाम वाली सीमा नहीं बेटा, सीमा का मतलब होता है बाउंड्री, याद आया हमने समझाया था, हर चीज की हर जगह की एक सीमा होती है। अगर कोई भाव है कोई शब्द है तो उसकी सीमा कैसे होगी कि अब हमें इसके आगे नहीं बोलना है, लेकिन यहाँ पर सरहद या सीमा का मतलब होता है किसी स्थान का अंतिम सिरा, जहाँ से वो जगह खत्म होती है और कोई दूसरी जगह आरंभ होती है। जैसे कि आप विद्यालय में आते हैं तो जब तक आप विद्यालय के बाहर हैं, याद है जहाँ पर आपको बस ड्रॉप करती है वहाँ तक वो स्कूल का ग्राउंड होता है, लेकिन जैसे ही आप स्कूल के गेट के अंदर आते हैं वहाँ से आपके स्कूल की सरहद या विद्यालय की सीमा आरंभ हो जाती है, फिर आप हमारे छात्र हो जाते हैं। जैसे ही आपकी स्कूल की बस स्कूल के गेट से बाहर जाती है आप हमारी सरहद या सीमा से बाहर हो जाते हैं।
तो इस प्रकार यहाँ पर सरहद का मतलब होता है किसी स्थान का अंतिम सिरा, ठीक है। इसके बाद में है अगला शब्द कबूल, कबूल, कबूल यानी मान लेना, किसी बात को आसानी से मान लेना या उसका समर्थन करना कहलाता है कबूल। हिंदी में उसे हम कहते हैं मान लेना। ये जो कबूल शब्द है बेटा, ये उर्दू शब्द है ना, कि हाँ मुझे यह चीज कबूल है या आपकी ये बात कबूल है। उसके पश्चात आपका अगला शब्द है आखिरकार, आखिरकार तुमने अपनी बात कबूल कर ली, अर्थात अंत में, आखिर यानी अंत, में बाद में हम अगले शब्द इस ओर लिख रहे हैं, क्योंकि आपके पेज में अगर जगह है तो आप वहां पर उसे कंटिन्यू रखेंगे। इसी शब्द के नीचे आप अगला वाला शब्द लिखेंगे बेटा, जो कि हमारा है कर्ज अदा करना, कर्ज अदा करना। आप कहेंगे मैम ये शब्द कहाँ है, ये तो पूरा आधा वाक्य हो गया है ना। लेकिन कभी कभी सिर्फ एक शब्द का अर्थ अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, तो उसके लिए हमें उसे अन्य शब्दों के साथ कभी कभी आधे वाक्य के रूप में भी प्रयोग करना होता है, ठीक है। कर्ज यानी होता है उधार, अदा करना मतलब चुकाना, चुकाना यानी कि देना। तो इस तरह से हमारा यह शब्द पूर्ण हुआ। उसके पश्चात अगला शब्द है इंसाफ, 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 इंसाफ का मतलब होता है न्याय। अर्थात सही को सही और गलत को गलत बताना या ठहराना या इस तरह की बात करना, वह कहलाता है इंसाफ। जो सही है वो सही है और जो गलत है वह गलत है। अगला शब्द है हमारे पास नाट, नाट का मतलब होता है घट जाना या मुकर जाना। अगर कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है और यदि वो घट जाती है, कभी कभी कम हो जाती है ना, तो उसको कहते हैं नाट। लेकिन एक और अर्थ होता है मुकर जाना, जब आप अपनी बात जो आपने कही है उससे बदल जाते हैं, तब भी वहां पर हम यह शब्द प्रयोग करते हैं। अंतिम शब्द है हमारा प्रसन्न, आदन पुरान प्रसन्न, इसका अर्थ होता है खुश। सभी को अच्छी तरह पता है ये, है ना। और इसके बाद में है तकाजा, तकाजा अपनी रकम की मांग करना, अपनी रकम की मांग करना, मांग यानी मांग कैसे करते हैं, यानी मांगना, उन्हें बार बार कहना, उसे कहते हैं मांग करना, है ना। एक और मांग कोई से आपने सुनी है शब्द, याद कीजिए, ये शब्द आपने और कहीं पर भी सुना होगा,
एक मांग का मतलब होता है आपके सिर के दो हिस्से करना या बालों को दो हिस्सों में बांटना, और बीच में से जो रेखा निकलती है उसे भी हम कभी कभी मांग शब्द कहते हैं, है ना। चलिए तो आप लोगों के लिए ये शब्द मैं 2 मिनट के लिए यहाँ रख रही हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो बच्चे मेरे साथ लिख रहे हैं वे लोग इसे एक बार पुनः अपनी उत्तर पुस्तिका में चेक कर लीजिए कि आप लोगों ने भी यह कार्य ऐसे ही किया है, कहीं किसी शब्द में कोई गलती तो नहीं की है। पुनः दोहरा रही हूँ, जब भी कोई कार्य समाप्त हो उसके अंत में फिर से एक रेखा खींचेंगे या ड्रॉ द लाइन इन द लास्ट ऑफ एवरी एक्सरसाइज, ठीक है। इससे हमने पहले भी कहा था कि आप जो भी कार्य करते हैं वह व्यवस्थित और सुंदर दिखाई देता है, और कौन नहीं चाहेगा कि उसका कार्य या उसकी उत्तर पुस्तिका सुंदर दिखाई दे। कम से कम हमें ये तो पता चले कि हाँ ये जो अभ्यास प्रश्न है ये शब्दार्थ है, इसके बाद हमने एक लाइन यहाँ पर छोड़ दी है, फिर अगला कार्य शुरू किया तो ये श्रुति लेखन है, ठीक है। तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। यह कार्य हम यहां से हटा रहे हैं। अब हमारा सबसे मुख्य कार्य हम यहाँ पर आरंभ कर रहे हैं, पेज नंबर 17 आप लोग खोलेंगे। पेज नंबर 17 पर देखिए बेटा, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले हेडिंग, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक अभ्यास प्रश्न को करने से पूर्व उसका शीर्षक अवश्य लिखिए, इसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और फिर हम अपना पहला प्रश्न यहाँ पर आरंभ कर रहे हैं। ये आपके पास मार्जिन है, यहाँ पर क नंबर डालिए। क नंबर का प्रश्न हमें क्या दिया गया है देखिए ध्यान से। पहला प्रश्न है, गेंदालाल साहूकार के रुपए क्यों नहीं देना चाहता था, है ना। तो हम पहले प्रश्न लिख रहे हैं, गेंदालाल साहूकार के रुपये क्यों नहीं देना चाहता था। ठीक है, ये है हमारा प्रश्न। अब हम इसका क्या लिखेंगे, उत्तर। देखिए बेटा, हमने प्रश्न लिखा है तो अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। याद कीजिए, पिछली कक्षा में हमने आपको बार बार बताया था कि हमें कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है और कहाँ पर
सामान्य पूर्ण विराम चिन्ह लगाना है, है ना? अब हम इसका उत्तर आरंभ कर रहे हैं। गेंदालाल साहूकार के रुपये। हम अपना उत्तर अपने प्रश्न से ही शुरू करते हैं। साहूकार के रुपये नहीं देना चाहता था क्योंकि, नहीं देना चाहता था क्योंकि, आप सबको इसका कारण पता है क्यों? क्योंकि उसकी नियत में खोट थी। उसकी नियत में इस तरह हमें बहुत सरल रूप से, सरल से प्रश्न का आंसर लिखना है। उन्होंने से भी पूछा क्यों नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसकी नियत में खोट था, है ना? हमने अपनी पुस्तक में भी यही पढ़ा है, सभी के पास अपनी पुस्तकें हैं, ठीक है? चलिए इसके पश्चात हम अपना प्रश्न नंबर ख, प्रश्न नंबर ख है, साहूकार ने गेंदालाल के बेटे से क्या पूछा? ठीक है, बचे हुए अंकों हटा रहे हैं। चल, इसके पश्चात हम इसका उत्तर शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? साहूकार ने गेंदालाल के बेटे से, कोई बात नहीं, ये सरल है, क्या पूछा? हमारा प्रश्न क्या बन रहा है? क्या पूछा? तो हमें उत्तर किसका लिखना है? इस क्या का लिखना है बेटा, है ना? तो उत्तर लिखते हैं, साहूकार ने गेंदालाल के बेटे से पूछा। अब क्या पूछा देखिए, है ना? क्या गेंदालाल घर में है? बहुत छोटा सा प्रश्न उसे पूछा था, क्या गेंदालाल घर में है? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा बेटा। अब आप कहेंगे मैम ये तो उत्तर है, फिर इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों आएगा? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर गेंदालाल ने, साहूकार ने गेंदालाल के बेटे से प्रश्न पूछा है। क्या पूछा? तो उसने ये प्रश्न पूछा था, क्या गेंदालाल घर में है? वाक्य है तो उसको हम उद्धरण चिन्ह के साथ में लिख रहे हैं बेटा। चलिए एक बार आप प्रश्न और उत्तर को पढ़ लीजिए, तब तक हम प्रश्न व आप लोगों के लिए लिख रहे हैं। प्रश्न नंबर ग है हमारा, संदेश भेज भेज कर, संदेश भेज भेज कर कौन परेशान हो गया था?
कोई बता सकता है बेटा कौन परेशान हो गया था? आप लोग परेशान हो गए थे क्या? क्या हम परेशान हो गए थे? नहीं, कोई और परेशान हुआ था, और क्यों वो भी हमें बताना है। यानी कि हमारे पास एक ही प्रश्न में दो प्रश्न हैं। ध्यान दीजिए, इसके पहले भी एक बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है ना? अब कौन और क्यों, ये दो प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। चलिए, अब हमारा प्रश्न हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम इसको समझ के लिखेंगे। पहला प्रश्न का उत्तर हम लिखते हैं, संदेश भेज भेज कर। संदेश, खाने वाला संदेश क्या? उसको भी तो भेजा जाता है ना। पता है आपको संदेश एक मिठाई का नाम है? हाँ, लेकिन यहां पर संदेश का मतलब है चिट्ठी या कोई बात जो आप किसी के थ्रू, किसी के द्वारा किसी तक पहुंचाते हैं, उसे भी हम लोग संदेश कहते हैं। तो संदेश भेज भेज कर साहूकार परेशान हुआ था या गेंदालाल हुआ था? याद कीजिए, गेंदालाल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने तो पैसे लिए थे, तो वो तो बड़ी शांति से बैठा हुआ था। तो यहाँ पर कौन परेशान हुआ था? साहूकार परेशान हो गया था। और क्यों हुआ था वो भी हम लिखेंगे, क्योंकि अब देखिए बेटा, क्योंकि अब यहां से इस प्रश्न का उत्तर शुरू होता है, क्योंकि गेंदालाल उससे उधार लिए रुपए रुपए वापस नहीं दे रहा था, वापस नहीं दे रहा था। पूर्ण विराम। इस तरह यह उत्तर यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगला प्रश्न हम इसके ऊपर की तरफ लिख रहे हैं बेटा। आप सभी चाहे तो अपनी सुविधा के लिए इस लिखित कार्य को कैप्चर कर सकते हैं, या चाहे तो आप बीच वीडियो को रोककर भी अपना कार्य शांतिपूर्वक सुंदर अक्षरों में पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है घ नंबर का। देखिए बेटा, घ बहुत छोटा सा है। गेंदालाल के बेटे ने साहूकार को क्या समझाया? गेंदालाल के बेटे ने साहूकार को
क्या समझाया? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। अब आप कहेंगे छोटे से बच्चे ने साहूकार को क्या समझाया? याद कीजिए, लंबा सा बहाना बनाया था गेंदालाल के बेटे ने, शायद गेंदालाल से भी ज्यादा चालाक था वो, है ना? तो हमें अब यही लिखना है कि ऐसा क्या कहकर गेंदालाल के बेटे ने साहूकार को वापस भेज दिया था। चलिए, गेंदालाल के बेटे ने, उत्तर हम प्रश्न से ही शुरू करते हैं हमेशा। उत्तर केवल हमारा वहां बदलता है जहां पर प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है। के बेटे ने साहूकार को समझाया, क्या समझाया? कि उसके पिता जामुन बेचकर उन पैसों से आपका कर्ज अदा करेंगे। आपका कर्ज अदा करेंगे। बहुत संक्षिप्त रूप में हमने ये लिखा है, जबकि आप भी जानते हैं कि उसने कितनी लंबी सी लाइन कही थी और साहूकार को वहां से वापस भेज दिया था। आंसर देखने में आपको जरूर लगेगा कि मैम बड़ा है, लेकिन आप यदि पुस्तक में पढ़ते हैं तो आप अच्छे से जान जाएंगे कि ये तो मैम ने बहुत सरल किया हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंचायत ने गेंदालाल को 30 ही रुपए लौटाने की बात कब कही? प्रश्न हमारा क्या आ रहा है, कब कही? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। पुनः हम प्रश्न दोहरा रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि हमें अपना उत्तर कहां से शुरू करना है। उत्तर, हम ये वाला प्रश्न उत्तर भी यहां से हटा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसे अवश्य पढ़ लिया होगा। चलिए, हमारा उत्तर अब यहां से आरंभ होता है। पंचायत ने यह बात, कौन सी बात? गेंदालाल को 30 ही रुपए लौटाने की। उसे हम सरल करके सिर्फ इतना लिख रहे हैं, पंचायत ने यह बात तब कही जब गेंदालाल देखिए उठा। ये पूरी बात को हमने सिर्फ इस एक शब्द में चेंज कर दिया है, समा दिया है।
जब गेंदालाल ने रकम कम करने पर नगद चुकाने की बात कही पूर्ण विराम। पंचायत ने यह बात, कौन सी बात, गेंदालाल को 30 रुपए लौटाने की बात तब कही जब गेंदालाल ने कुछ रकम कम करने पर नगद चुकाने की बात कही। याद कीजिए, पंचायत ने कहा था कि आप 100 की सिर्फ 60 दे दो, तो गेंदालाल ने क्या कहा था कि 60 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, अगर रकम को कुछ कम कर दें तो मैं अभी नगद चुका दूंगा। तब अंत में पंचायत ने क्या कहा था कि ठीक है, अब तुम केवल 30 रुपए लौटा दो। याद आया बेटा? जी हाँ, है ना। अब हम अपना अंतिम प्रश्न यहाँ पर लिख रहे हैं जो कि बहुत आवश्यक है। कहानी के अंत में क्या हुआ? कहानी के अंत में क्या हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह। आप सबको पता है अंत में क्या हुआ था? कोई बता सकते हैं हमें? बहुत छोटा सा जवाब है हमारा। कहानी के अंत में गेंदालाल की चतुराई देखकर कौन प्रसन्न हो गए थे? साहूकार। और प्रसन्न होकर क्या किया था उन्होंने? साहूकार प्रसन्न हो गया। चलिए, तो इस प्रकार हमारा यह प्रश्न उत्तर का अभ्यास कार्य यहीं पर पूर्ण होता है। और मैं पुनः सभी बच्चों से कहना चाहूंगी कि कृपया सभी लोग सुंदर और सुलेख लेखन करेंगे। कोई भी बच्चा कभी भी अपनी उत्तर पुस्तिका या कहीं पर भी इतने गंदे अक्षर न लिखे कि बाद में वो पढ़ने योग्य न हो। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसे ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके पश्चात हम अपना कार्य समाप्त करेंगे। आज की ये कक्षा हमारे इन प्रश्न उत्तर के साथ यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।